हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि खाने का टाइम है, मतलब खाना बनाने का टाइम है, और समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि अगर घर में, क्या बोलूँ मैं मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं खाते हैं। गेट लगा दूं फिर बात करते हैं। तो बिछिया गिर गई है। तो कहाँ थी मैं, क्या बताऊं मैं आपको यार। मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं खाते हैं यार। हरी सब्जी तो खाते नहीं हैं बिल्कुल भी। हरी सब्जी के नाम से भी नफरत है उनको। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उनको हरी सब्जी खाना। तो मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ कि अरे यार मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। कुछ समझ भी नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ। तो क्या करूँ यार, क्या बनाऊँ। मैंने सोच लिया अब मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी और बड़ी बनाऊंगी, कुंबड़े की बड़ी। कुमड़ा क्या होता है? कुमड़ा होता है एक कैसे होता है यार, कैसे बताऊँ। होता है कुछ, होता है मुझे भी नहीं मालूम। मेरे घर पे तो सब लोग कुमड़ा बोलते हैं उसको, कुमड़े की बड़ी बोलते हैं। तो वो बड़ी जो है ना वो बनाऊंगी मैं आज, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो वो बड़ी जो थी ना वो मम्मी ने बनाई थी और मम्मी ने भेजा है मुझे, तो मैं वो बनाऊंगी घर पे अभी। तो उसकी रेसिपी वैसे मैं आप लोगों को पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम। वैसे मार्केट में मिलता है यार, पर किस नाम से मिलता है मुझे ये नहीं मालूम। एक काम करो आप लोग, देख लो उसके बाद मुझे बताना कि उसको आप लोग क्या बोलते हो। ठीक है, तो वो देखो उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोग उसको क्या बोलते हो। ठीक है, ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँ ना तो मैं उसका नाम आपको समझा सकूँ। अभी मुझे भी नहीं मालूम मुझे भी एक ही नाम मालूम है बस। ठीक है, तो मैं वो नाम बता दूंगी आप लोगों को और अभी मैं स्टार्ट कर देती बनाना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये है बड़ी। और ये बड़ी जो है ना मतलब बहुत टाइम से रखी हुई है, क्योंकि सिर्फ मैं खाती हूँ, किट्टू के पापा नहीं खाते हैं, तो इस वजह से ना ये ऐसी रखा हुआ है। तो ना मतलब आज मेरा मन कर रहा था खाने का, तो मैंने सोचा कि ये खराब हो जाएंगे रखे रखे, तो मैं बना ही लेती हूँ। इसलिए मैंने फाइनली इसको निकाल लिया है। तो इसको क्या करना है गाइस कि हमें तोड़ लेना है, मतलब तोड़ के बनाऊंगी मैं। चाहो तो आप एक ऐसे से भी डाल सकते हो खड़ा खड़ा, बट तोड़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इस वजह से। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, अभी तोड़ेंगे हम बाद में। तो ये पॉलीथीन देखो फट चुकी है, बहुत टाइम से रखा हुआ है इसमें, तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 4-5 लूँगी बस। ये ज़्यादा मतलब बड़े साइज में नहीं है, छोटे छोटे हैं, आप देख सकते हो। अगर बड़े होते हैं ना तो फोड़ लो, वैसे ही छोटे नहीं भी फोड़ेंगे ना तो चल जाएगा, बट मैं फोड़ लूँगी। तो अभी तो कटोरी में रख लेती हूँ, बाद में फोड़ेंगे। तो अभी हम आगे का काम करेंगे। देखो ये आटा भी रखा हुआ है, तो मैं इसके साथ चावल और आटा भी बना लूँ, सॉरी रोटी भी बना लूँगी। और यहाँ पे देखो क्या कितनी मस्ती कर रही है दुकान में, कर वो ऐसे करती है दुकान के सब सामान वामान उठा के ना रही मस्ती है? पानी करती पीऊंगी, रहती है, मम्मी उसका पीऊंगी यही काम है बस। बिन पिए। हाँ मुंह पलटा लिया तुमने ताकि मैं वीडियो ना बनाऊं तुम्हारी। बाहर से कोई अंदर ना, ये क्या कर रहे हो? सब्जी का ठेला खड़ा हुआ है यहाँ पे बाहर, मैं दिखाऊँ यहाँ से। इधर से दिखेगा, दिखेगा इधर से क्या? हाँ नहीं दिखेगा। सब्जी का ठेला खड़ा हुआ है पर मुझे यहाँ से नहीं दिखने वाला कि उसमें क्या रखा हुआ है। वैसे तो मैंने कंफर्म कर लिया कि क्या बनाना है, बट फिर भी सोच रही हूँ, देख लेती हूँ कुछ अच्छा मिल जाए तो बना लूंगी। किट्टू को देखो यहाँ पे, हाय बोलो। हाय हाय मस्ती कर रही। हाय हाय
किट्टू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस बहुत है, बारिश भी हो नहीं रही है। बारिश हो जाए ना थोड़ा तो मतलब अच्छा हो जाए, पर बारिश हो नहीं रही है, क्या करें। किट्टू को लेके जा रहे हो क्या फिर? तो गाइज अब हम इन बड़ी को फोड़ लेंगे। देखो आसानी से फूट रहा है, बस आपको क्या करना है कि बेलन की मदद से एक दो बार इसको मारोगे ना ताकत से, तो ये अपने आप ही जो है ना दो टुकड़ों में हो जाता है। तो ये देखो इस तरीके से मैं इनको तोड़ लूँगी, ये देखो वैसे छोटे हैं यार, मुझे तोड़ना नहीं चाहिए था बट मैंने तोड़ लिया है क्योंकि मैं थोड़ी सी सब्जी में मतलब स्पेशल बना रही हूँ देखना आप स्पेशल क्या बन रहा है। तो ये देखो यहाँ पे तोड़ लिए मैंने सारे बड़ी को, और यहाँ पे एक तरफ मैंने गैस पे चावल चढ़ा दिए हैं और एक तरफ मैं सब्जी बना लूँगी। ये देखो चावल चढ़ा हुआ है एक तरफ, और अब मैं सब्जी की तैयारी के लिए मैंने क्या क्या तैयार किया मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज काटा है, ठीक है, और एक टमाटर काटा है, 4 से 5 हरी मिर्च काटी है, 4 से 5 हरी मिर्च है ये जो कि मैंने धो के काट लिया है, टमाटर भी मैंने धो के काट लिया है, एक ही टमाटर लिया। टमाटर महंगे हो गए यार, महंगे हो गए टमाटर, आप क्या क्या रेट है बताना मुझे। और ये लहसुन 4 कली, तो इसको मैंने नहीं काटा, हम इसको ऐसे ही डालेंगे टेस्ट आने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई 4 चीज़ें, बड़ी हमने करी ली है तैयार। और ये देखो ये आलू, 2 आलू लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, दोनों आलू को मैंने काट लिए हैं इस तरीके से, काटे हैं मीडियम साइज़ में, ठीक है, ज़्यादा मोटे नहीं ज़्यादा पतले नहीं, इस तरीके से काटे हैं देखो, क्योंकि हमारी बड़ी जो है ना जल्दी पक जाएगी और इसको टाइम नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे हम हल्का सा तेल डालेंगे अभी कढ़ाई में क्योंकि हमें बड़ी को तलना है, तो बड़ी को हम पहले तल लेंगे यहाँ पे। तो मैंने ये देखो बड़ी को हल्के से तेल में तल रही हूँ, तो इसको ज़्यादा नहीं तलना, हल्का सा भूनना है, तो हल्का हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और मैंने फ्लैश ना ऑन करके रखा है क्योंकि अंधेरा अंधेरा आता था किचन का, मैं क्या बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने ना फ्लैश ऑन कर लिया है, तो कभी अंधेरा कभी फ्लैश एकदम से आएगा देखो। तो ये देखो मैंने बड़ी तल लिए हैं ये देखो, और बस अब इसमें थोड़ा सा और तेल मैं डालूँगी, फिर इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो और तेल ऐड कर लेते हैं इसमें, ये देखो ज़्यादा तेल ऐड नहीं करना है, बस हल्का अपनी सब्जी बन जाए उतना, ज़्यादा तेल ही तेल अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये देखो अब यहाँ पे मैं राई डाल रही हूँ, तेल हो चुका है मेरा, ठीक है, तो राई डाला है और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तो ये जीरा डाल दिया है मैंने, आप चाहो तो हींग डाल सकते हो बट हींग मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं हींग नहीं डालूँगी बस। और आप प्याज ऐड कर देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था, बहुत ही टेस्टी बना था, और जब बनाया था ना उसकी खुशबू बाहर तक जा रही थी क्योंकि ये जो ये बड़ी सब्जी इतनी टेस्टी बनती है यार सच में, बहुत। कौन कौन खाता है मुझे ज़रूर बताना, और इसका क्या नाम है ये भी मुझे बताना। मेरे हस्बैंड की तो बहुत नाटक है, उनको ना दाल चावल के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है, बस दाल चावल दाल चावल दाल चावल। मैं बोर हो गई इसलिए आज मैंने कहा आज तो मैं अपनी मर्ज़ी का बनाती ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए मैंने आज अपनी मर्ज़ी का बना ही लिया फाइनली। उनको पसंद नहीं है, उनको नहीं खाना रहता, यहाँ तक कि आलू तक नहीं खाते यार। मैंने उनको पता रसा रसा दिया था, मतलब पानी पानी दिया था बस, उसमें खाया था उन्होंने, और नमकीन में, नमकीन में, और चिकन मसाला दाल बना लो तो रोज़ रोज़ दो टाइम दाल दाल कैसे बनाएं यार। उनको रोटी खानी नहीं है, दाल खाना है बस, मुर्गा मछली अंडा बस, इसके अलावा कुछ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा प्याज हो चुका, हम ज़्यादा नहीं भूजेंगे नहीं तो वो काला हो जाएगा। तो यहाँ पे हल्का ब्राउन हो चुका आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाया था अभी कि धनिया मैंने कितना लिया है, आपने ध्यान से देखा होगा तो 4 चम्मच धनिया था, 2 चम्मच मिर्च थी, आधी चम्मच हल्दी थी, ठीक है। तो उसको मैंने पानी में ऐड कर दिया था, और अभी देखिए आपको क्या दिया है, तो इसमें हम ये मसाला ऐड कर लेंगे, और इसका कलर देखना अभी आप कितना प्यारा कलर आएगा। और जब मैंने बघारा था ना तो इसकी खुशबू बाहर तक जा रही थी, और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो मैंने बोला खा लेना, तो
तो बोलते नहीं नहीं मैं खाऊंगा नहीं। तो रस्से रस्से में खाया था बच्चों ने, ना तो आलू खाया था और ना ही बड़ी खाई थी और नमकीन ले लिया था ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया है और नमक भी। कई लोग बोलते हैं प्याज में नमक ऐड किया करो, बट प्याज तो पक जाती है, मुझे मैं टमाटर में ऐड करती हूँ ताकि टमाटर और मसाले में जो है ना हमारा अच्छे से गल जाता है। अगर हाँ प्याज अगर आपकी वो है क्या बोलते हैं पिसी हुई प्याज है तो आप पहले ऐड कर सकते हो। ये देखो मैं दुकान गई हूँ, दुकान से मैं चिकन मसाला तोड़ के लेकर आई हूँ। ये देखो यही होता है, दुकान पास में कुछ घर में नहीं तो जाओ दुकान में ले आओ दुकान से जाके। तो यहाँ पे समथिंग एक चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया है चिकन मसाला, ठीक है। और आप चाहो तो आप अपने हिसाब से कोई भी मसाला गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हो, बट मुझे चिकन मसाला का टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं हमेशा यही ऐड करती हूँ। आपने देखा होगा सारी वीडियो को। तो यहाँ पे हल्का हल्का पानी ऐड कर करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हो मैं पानी ऐड कर करके इसको अच्छे से भून लेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आएगा इसका भाई। और यहाँ पे देखो कुत्ती को कहाँ चढ़ रही है ड्रेसिंग, ये कहाँ चढ़ी है नंगे पांव। पापा उसकी चड्डी पहनाने की बाथरूम कर रही थी, उसने तो चड्डी पहनाने की कर रहे हैं वो, जाके ड्रेसिंग टेबल पर चले। बहुत ध्यान देना पड़ता है इसका, अगर थोड़ा सा अगर आप यहाँ से नजर गई ना तो सामने दुर्घटना घटी है, कहीं पर भी चढ़ जाती है, कहीं ड्रेसिंग पे तो कहीं जाके तो सोफे पे चढ़ के और रेत पे चढ़ने लग जाती है। तो इसलिए हम लोग पता है या तो मैं काम करती हूँ तो वो ध्यान देते हैं, वो काम करते हैं तो मैं ध्यान देती हूँ, ऐसा ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं छोड़ते उसको अकेले। तो यहाँ पे देखो कई लोग बोलते हैं अरे बच्चे पे ध्यान दिया करो वीडियो तो बन जाएगी, अरे भाई बच्चे के लिए तो कर रहे हैं, बच्चे पे भी तो ध्यान दे रहे हैं, चौबीस घंटे तो अलग ही बना रहे हैं, हाँ वीडियो अपना थोड़ा थोड़ा बनाते हैं उसके बाद बच्चे पर ध्यान देते हैं, काम भी करते हैं। अब ज़रूरी भी तो है ना, एक एक दिन की कमाई से कुछ नहीं होता, हम भी अगर थोड़ा कुछ कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी भाई। क्या सब्जी बन रही है, बच्चे का पूरा ध्यान रखना। अगर मैं वीडियो बनाती हूँ जब तक तो उसके पापा संभालते हैं, और जब मैं जब वो काम करते हैं तो मैं संभालती हूँ, घर पर दुकान है तो वो दुकान में खेलती रहती है, दादा दादी के पास खेलती रहती है अपने, तो उसका टाइम ऐसा हो जाता है, ठीक है चला जाता है उसका टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने पानी ऐड किया, पानी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करें क्योंकि जब इसको आप पकाओगे ना तो पानी ही सोख लेगा, इसलिए थोड़ा पानी एक्स्ट्रा रखें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी एक्स्ट्रा रखा है आप देख सकते हो। तो बस इसको हम ढका देंगे, पकने देंगे 5 मिनट समथिंग में पक जाएगा ये, क्योंकि हमने आलू मीडियम साइज़ के काटे थे और बड़े को हमने तल लिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो सब्ज़ी हमारी, तो यहाँ पे देख सकते हो सब्जी का कलर कितना प्यारा लग रहा है गाइस, और आप खुद देख लो कितना सुंदर लग रहा है देखने में ही, है ना। तो बनने के बाद तो और भी ज़्यादा जो है ना टेस्टी लगता है इस। और यहाँ पे जो है ना मैं इसको फिर से ढका देंगे, पकने देंगे, और अब 5 से 6 मिनट के बाद जब देखा है तो सब्ज़ी देखो हमारी पक चुकी है। ये देखो कम हो गई है, कम हो गया ना पानी इसका, आप खुद देख सकते हो, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी रखना चाहिए। और यहाँ पे हमारी आलू पक चुके हैं और बड़ी भी पक चुके हैं, ठीक है। तो सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट पक गई है। इस तरीके से आप चाहो ना तो एक एक करके निकाल के आप देख सकते हो। तो मैं एक आलू को ऐसे चम्मच में बाहर करके और देख लूँगी पका कि नहीं पका। तो ये देखो पक गया है ना, पक गया। बस अब हम गैस बंद कर देंगे, हमारी सब्जी हो चुकी है। और यहाँ पे एक तरफ मैं रोटी भी बना रही थी, सब्जी पक रही थी एक तरफ रोटी भी बना रही थी। तो रोटी चावल सब्जी मेरा बन चुका है और बस हो गया। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार एक क्योंकि ना वीडियो भी बनाओ खाना भी बनाओ और ट्राईपोड के बिना तो अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में ना, बहुत मेहनत लगती है सच में। तो यहाँ पे रोटी मेरी फूली नहीं है, इसमें कमेंट मत करना कि रोटी फूली नहीं, कभी कभी कोई कोई रोटी पूरी फूलती है, कभी कभी नहीं फूलती भाई, इसमें हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है। हो सकता है अच्छे से बेला नहीं होगा मैंने, क्योंकि ध्यान पूरा वीडियो बनाने में था ना, मोबाइल भी पकड़ना है और रोटी भी बनानी है, तो इस वजह से ये वाली रोटी फूल गई है मेरी, देखो देखा रोटी फूल गई ना। तो गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी लोग मेरे
चैनल पे डेली आ रहे हो, डेली वीडियो देख रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करते हो ना तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि मेरी वीडियो कौन कौन देखता है। और इंस्टाग्राम पे आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। यहाँ पे देखो रोटी हमारी पक चुकी है और मैंने थाली भी लगा ली है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये देखो हमारी थाली भी लग चुकी है, बस हम डिनर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो कल रात की है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ दिन में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।